ने जो बताया है, एक विशाल विहंगम कार्यक्रम जनपद फिरोजाबाद की नहीं आगरा मंडल की धरती पर जिस तरीके से कुबेर महादेव सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें लगभग 4 से 5 लाख लोगों की संख्या श्रद्धालुओं की रहेगी। इसमें भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से जो लोग आएंगे, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की, रहने की पूरी समुचित व्यवस्था, आवास, पार्किंग, मेडिकल, सुरक्षा, ये सारी व्यवस्थाओं के इंतजाम ट्रस्ट के द्वारा किए गए हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्य कार्यालय का उद्घाटन बजरिया मंडी में पंचमुखी महादेव मंदिर के बराबर में गौरव शर्मा जी के यहाँ कार्यालय पर किया गया है, जिसका उद्घाटन हमारे नगर के उद्योगपति श्री उमाशंकर गुप्ता गुड्डू प्लाजा के सुपुत्र मृणाल गुप्ता द्वारा किया गया है। और इस कार्यक्रम में फिरोजाबाद के ही नहीं, हमारे शमशाबाद के आदरणीय कुंज बिहारी अग्रवाल जी, चंद्र प्रकाश जी और फतेहाबाद के तमाम लोग, शमशाबाद के तमाम लोग आज कार्यक्रम में आए हैं और ये पूरी ताकत के साथ लग रहे हैं। लग रहा है कि आगरा मंडल में एक जलसा पहली बार होने जा रहा है फिरोजाबाद में, और इसमें पूरे आगरा मंडल के लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। फिरोजाबाद के लोगों से भी हमारी अपेक्षा है कि तन मन धन से सहयोग करें। 25 तारीख तक ये कलश की व्यवस्था जो की गई है, ये 25 तारीख तक ही है। 25 तारीख के बाद कलश वितरण का कार्यक्रम नहीं होगा। जो भी लोग, जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, कलश उठाना चाहती हैं, वो 25 तारीख तक ट्रस्ट के सदस्यों से या मुख्य कार्यालय से संपर्क करके साड़ी और कलश अपना प्राप्त कर लें। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक क्या रहेंगे? कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनके गेट बनेंगे, और उसके अलावा बहुत सारी झांकियां जो आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में हमें देखने को मिलती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को भिन्न भिन्न तरीके से दर्शाया जाएगा। और पूरे शहर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप ये निरंतर चलेगा। पूरे शहर को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें नई इस शहर को पहली बार देखने को मिलेंगी। शिव पुराण कथा का जो टाइमिंग है वो आस्था चैनल के द्वारा तय किया जा रहा है, ये 2-3 दिन में निर्धारित हो जाएगा। ये आपके द्वारा पुनः हम जनता के बीच में बताएंगे। देखिए, ये बात बताकर बहुत हर्ष हो रहा है कि फिरोजाबाद की पावन धरा पर श्री महाकाल शिव पुराण का आयोजन दिनांक 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, जिसमें 13 तारीख को कलश यात्रा माँ वैष्णो देवी धाम से कथा स्थल गेल गेल गैस ऑफिस के बराबर जरूरी कला 6 लेन के किनारे होने जा रही है। ये पूरी शिव पुराण की कथा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बड़े भव्य तरीके से श्री कुबेर महादेव सेवा ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जा रही है, सभी से भक्तों से अनुरोध करना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में तन से मन से धन से सहयोग करें। कलश यात्रा में जो भी महिलाएं सहयोग करना चाहती हैं, कलश उठाना चाहती हैं, वो आगामी हमारे जो कार्यालय इस समय बजरिया स्थित शिव मंदिर के बराबर में बनाया गया है, वहाँ पर आकर अपना संपर्क कर सकती हैं, अपना कलश का कूपन पा सकती हैं। कलश के कूपन की जो हमने व्यवस्था रखी है वो 25 सितंबर तक रखी है। जिस किसी महिला को कलश उठाने हैं वो 25 सितंबर तक कार्यालय से दे सकते हैं। और सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल समिति का नहीं है, ये कार्यक्रम फिरोजाबाद की नाक का है, फिरोजाबाद के सम्मान का है। पूरे ज़िले में पहला कार्यक्रम ये इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पंडित प्रदीप मिश्रा जी के श्री मुख से द्वारा होने जा रहा है, तो सभी लोग सहयोग करें और फिरोजाबाद का शान और मान बढ़ाएं। कलश यात्रा देखिए, वैष्णो देवी मंदिर उसाइनी से कलश उठाए जाएंगे। कलश यात्रा का रूट पूरा पुराने बाईपास से होते हुए जरौली कला गेल ऑफिस के बराबर में कथा स्थल पर समाप्त होगी।